भोपाल के आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रबंधन ने नर्सों को चॉकलेट बांटकर बधाई दी। नर्सिंग विभाग के प्रिंसिपल ने नर्सों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी के इस संकट में नर्सें कठिन मेहनत कर अपने दायित्व को निभा रही हैं। नर्सें लगातार पीपीई किट पहनकर जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल कर रही हैं। साथ ही वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर रंजीत सिंह ने भी नर्सों और मरीजों का हौसला बढ़ाया। एक्चुअली 2020 से नर्सेज बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं, स्पेशली कोरोना जो हमारे देश में इस समय महामारी फैली हुई है, हमारी नर्सेज का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देख सकते हैं जैसे पीपीटी किट में है, वेरी हार्ड लाइफ, लेकिन सारी नर्सेज जो है जी जान से जुट के पेशेंट की सेवा कर रही हैं। वो अपनी लाइफ को भी इस समय ध्यान में नहीं रखते हुए पेशेंट की सेवा करना, उनको बचाना वो उद्देश्य दे रही हैं। और मैं इसलिए अपने सारी नर्सेस टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और वो इसी उत्साह से इसी मेहनत से अपना काम करते रहें। और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग आपके सहयोग से, आपके हार्ड वर्क से नर्सेस पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में आएगा। और मैं बहुत ही महसूस करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि हमारी टीम आरकेडीएफ कॉलेज एंड आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की टीम एंड नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने नर्सिंग स्टाफ, जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत ये हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो पेशेंट जितना एडमिट हुआ था, 4 दिन पहले का हेडलाइन आया था, जिसमें से 820 पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एमपी स्टेट के लिए। इन सब चीज़ों के लिए जो बेसिक पीछे जो कहानी है, वो डॉक्टर के ना होते हुए वो नर्स की है, क्योंकि नर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो उस पेशेंट को, जो बिल्कुल जीरो कंडीशन में आता है और यहाँ से फिर बाद में हंसते हुए जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं नर्सेस को और उनके स्टाफ, सीनियर स्टाफ सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा।